नमस्कार, मैं आप सभी का एस्ट्रो लाइव पर मैं भूषण रत्नाकर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे वैदिक ज्योतिष में सर्वोत्तम उपचार में माने जाने वाले मंत्र और उनके मुख्य प्रकारों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। मंत्र वह विज्ञान है जो मस्तिष्क को अपनी सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र में ध्वनियों, शब्दों और अक्षरों के समूह का एक रहस्यमयी सूत्र है मंत्र, जिसके उच्चारण से मनुष्य अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा और बाहरी आवरण, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो उत्पन्न करती है, निर्माण करती है। मंत्र उच्चारण द्वारा अवरोध उत्पन्न करने वाले अनिष्ट ग्रहों की शांति मंत्रों द्वारा की जाती है। यह सभी ज्योतिष और ज्योतिष को मानने वाले मेरे सभी साथी मानते हैं। मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मन अर्थात मस्तिष्क और त्र मतलब सुरक्षा। मंत्रों की प्रत्येक मूल ध्वनि हमारे ब्रेन के सभी सेल्स को एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है। मंत्र में मनन, चिंतन, विद्या और ज्ञान, ये सभी अभिभूत होते हैं। वैदिक ऋषि और मुनियों को मंत्र के माध्यम से शब्द और उनकी मौलिक भावनाएं अभिप्रेत थी। उदाहरणार्थ महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मन मस्तिष्क को या ईश्वर को लगातार प्रार्थना करने से नियंत्रित करने किया जा सकता है और उसका प्रतीक मंत्र है ओम। अग्नि पुराण के अनुसार अक्षर को ब्रह्म माना गया है। अक्षर परम ब्रह्म सनातनमज विभुम, अर्थात एक अक्षर ही चिरस्थायी, अजन्मा, जीवंत, सर्वव्यापी और अग्नि जैसा है, जो ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बाइबल के अनुसार प्रारंभ में ईश्वर था, ईश्वर के साथ शब्द था और अंत में शब्द ही ईश्वर है। एक अच्छा मंत्र साधक वही हो सकता है जो मंत्रों से ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है, उसे नियंत्रित करता है और उसका विनाश कर दैविक शक्तियों के साथ सामंजस्य प्रस्थापित करता है। उगम के आधार पर मंत्रों के कुछ प्रमुख प्रकार वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं, जैसे कि वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, शाबरी तथा अघोरी मंत्र, जिसमें कि वैदिक मंत्र का उपयोग हम ज्योतिष काफी जातकों के ग्रहों के शांति के लिए और बहुत से उपायों में बताए जाते हैं या बताते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, गायत्री मंत्र आदि। मंत्रों के प्रयोग के आधार पर कुछ प्रमुख प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं, जैसे कि शांति मंत्र, वशीकरण मंत्र, स्तंभन मंत्र, उच्चाटन मंत्र, मारण मंत्र। मंत्रों के लिंग के आधार पर तीन प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग और तटस्थ मंत्र या न्यूट्रल मंत्र। आकार के आधार पर मंत्रों के कुछ तीन प्रमुख प्रकार बताए गए, जैसे कि बीज मंत्र। बीज मंत्र के बहुत उप प्रकार है, जैसे कि पिंड मंत्र, कर्तरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र उदाहरणार्थ नमः शिवाय, षडाक्षरी मंत्र उदाहरणार्थ ओम नमः शिवाय, अष्टाक्षरी मंत्र उदाहरणार्थ ओम नमो नारायणाय। बीज मंत्र के अलावा साधारण मंत्र और माला मंत्र, ये तीन प्रकार पाए जाते हैं जो कि आधार के आकार पर वैदिक ज्योतिष में माने जाते हैं। इस विषय के अंत में मंत्रों के कुछ सिद्ध मंत्र जो कि वैदिक ज्योतिष में माने गए हैं, जिसका उपयोग हम ज्योतिष वर्ग के मेरे सभी मित्र करते हैं। सिद्ध मंत्रों में सबसे पहले आते हैं ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, नमो भगवते वासुदेवाय नः, महामृत्युंजय मंत्र और अंत में ओम गण गणपतये नमः। इसी के साथ ये विषय मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।